हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक मैंने लिया है क्लास 8 से, तो इसमें हम आज निकालना सीखेंगे कि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम होता है एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइड से जो बनता है, फोर स्ट्रेट साइड से जो फिगर बनता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, काइट शेप हो, उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ओके, तो ट्रेपेजियम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं, कोई भी एक पेयर, चाहे लेफ्ट राइट का अपोजिट ले लीजिए या अप या डाउन साइड ले लीजिए, तो उनका जो पेयर है वो अपोजिट होता है प्लस पैरेलल होता है। ओके, उनके मेजरमेंट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, बट वो अपोजिट और पैरेलल होते हैं। तो यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड डी सी और साइड ए बी ये दोनों ही इक्वल है, पैरेलल है। ये वाली साइड और ये दोनों साइड पैरेलल है, जबकि ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल है। तो दो साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है। ओके, इसकी जो दोनों पैरेलल साइड होती है उन्हें हम इसका बेस कहते हैं। ये दोनों बेसिस हैं ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ए बी एंड डी सी आर द बेसिस ऑफ दिस ट्रेपेजियम। एच है इसकी हाइट, या फिर हम उसे एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। एच जो है वो डिस्टेंस है एक्चुअली दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप इस पॉइंट पे देख लीजिए या आप इस पॉइंट पे देख लीजिए, एच की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहेगी, बिकॉज ये हाइट है दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो चलिए, ये था बेसिक कुछ ट्रेपेजियम के बारे में। अब देखते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो यहां पर एक फिगर लिया हुआ है मैंने, एक ट्रेपेजियम है जिसे नाम दिया गया है एम एन ओ पी। ओके, एम एन ओ पी ये एक ट्रेपेजियम है और यहाँ पर बीच में एक डायगोनल लाइन बनाई हुई है एम ओ। ओके, जो इसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो सिंपली ये अंडरस्टूड है कि इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लें, ट्राइंगल वन एंड ट्राइंगल टू, और उन्हें हम आपस में एड कर दें तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया हमको मिल जाएगा, राइट? तो ट्राइंगल एम एन ओ प्लस ट्राइंगल एम ओ पी, इन दोनों का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं और उन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमें हमारा ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल एम एन ओ, ट्राइंगल एम एन ओ। अब आप जानते हैं कि ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स जो है पैरेलल है। ओके, साइड एम एम पी एंड एन ओ बोथ आर पैरेलल साइड्स। ये दोनों साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब ये इनका बेस है और ये इनके बीच की हाइट है। ओके, एच हर पॉइंट पे ये सेम ही रहेगी। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं एच। ओके, तो ट्राइंगल एम एन ओ, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है एम एन ओ वाले ट्राइंगल में? एम एन ओ वाले ट्राइंगल में बेस है एन ओ, ओ एन, ओ एन या एन ओ। ओके, और हाइट है एच, एच हाइट रहेगी और दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए रहेगी, बिकॉज हाइट हर पॉइंट पर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में सेम रहेगी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन वन। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एन ओ, सॉरी एम एम ओ पी। ओके, हाफ इंटू, इसमें बेस क्या है? इसमें बेस है एम पी इंटू हाइट एच। तो ये हो गए हमारे इक्वेशन नंबर टू। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एड कर देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन इज वन बाय टू ओ एन इंटू एच प्लस वन बाय टू एम पी इंटू एच। ओके, दोनों में से वन बाय टू हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, और एच भी दोनों में कॉमन है,
h भी हम बाहर ले लेते हैं कॉमन मल्टीप्लीकेशन में, ओके अंदर हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, ओ एन प्लस का साइन है बीच में प्लस एम पी, ओके तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम निकाल सकते हैं अगर हमें हाइट पता हो और हमें दोनों बेस पता हो, हमें दोनों पैरेलल लाइंस की लेंथ पता हो और हमें हाइट पता हो तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटू हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपेजियम और ब्रैकेट में ये भी मल्टीप्लाई है बीच में इन इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस, या फिर हम बोल सकते हैं बेस प्लस जो दोनों पैरेलल लाइंस है पैरेलल लाइन वन प्लस पैरेलल लाइन टू। तो इसे हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकालने का जो हमारा एग्जैक्ट मेथड है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। सो दिस इज द फॉर्मूला टू ड्राइव द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर लेंथ 27 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहां पर हमको क्लियरली दोनों पैरेलल लाइंस की लेंथ दी हुई है 27 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर, ओके तो सबसे पहले तो इन दोनों का सम निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमें सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए होता है टू फाइंड आउट द फिगर, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये हमारा हो जाएगा 27 प्लस 9 इज 46। नाउ पुट इट इन द फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस दैट इज 46 इंटू हाइट, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। So here is it, okay, so we can cut it, it is 23 into 14 is 322 centimeter square, because area hai toh hum usse centimeter square mein denote karte hain. So this is the very simple question, lekin next question jo hai woh hamara thoda sa tricky hone wala hai, thoda sa difficult hone wala hai, toh hum dekhenge kyunki woh aapke syllabus mein se hi hai, तो उसको हम इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू 78 सेंटीमीटर, डी सी 52, ए डी 28 एंड बी सी इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। इस क्वेश्चन में आपको हाइट नहीं दी हुई है लेकिन आपको ट्रेपेजियम की चारों साइड्स की लेंथ दी हुई है, ऑल द फोर साइड्स। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, इस ट्रेपेजियम को हम नाम दे देते हैं बिकॉज यहाँ पर ए बी सी डी नाम दिया हुआ है, तो हम इसको ए बी सी डी ही नाम दे देते हैं। ए दिस साइड इज बी, this is C and this is D, okay? So ABCD is the trapezium और इसमें AB की जो length है that is 78, AB is 78 centimeter, CD is 52 centimeter, 52 centimeter, AD is 28, okay? And BC is 30 centimeter, okay? Now we can draw a altitude of this trapezium. We can draw a altitude of this trapezium and it meets somewhere on point L. Let this point is L. Okay. And agar hum iske parallel ek line aur draw kare. Yahan par suppose kijiye this is point M. Okay. Agar hum iske parallel ek aur line draw kare, ye wali line ke parallel. ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल हम एक और लाइन ड्रॉ करें, तो जो ए एम सी डी, ए एम सी डी जो आप देख रहे हैं इट इज लुकिंग लाइक अ पैरेललोग्राम, ओके नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ पैरेललोग्राम, ओके एंड दिस एम सी बी, एम सी बी इज अ ट्राइंगल, नाउ एम सी बी इज अ
ट्राइंगल। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इस तरह से हम एरिया निकाल कर ट्राइंगल का, और हम उसका एल्टीट्यूड पता कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के एरिया में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो उससे हम हाइट इसकी पता कर लेंगे। तो अगर हमें हाइट पता चल जाएगी तो पैरेलल लाइंस की लेंथ हमको ऑलरेडी मालूम है, तो वो हम फिर इजिली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है अगर हमें उसकी सिर्फ साइड्स की लेंथ पता हो तो, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है CM, तो ये भी 28 होगी, CM इज आल्सो 28, ओके, CB इज 30 सेंटीमीटर, MB कैसे निकालेंगे हम, MB इक्वल्स टू AB, MB इक्वल्स टू AB माइनस AM, AB माइनस AM, ये पूरी लेंथ में से AB में से अगर हम AM को माइनस कर देंगे तो MB हमें मिल जाएगा। सो AM कितना, AB कितना है हमारे पास 78 एंड AM कितना है, बिकॉज दिस इज 52, सो दिस इज आल्सो 52, 78 माइनस 52, तो 78 माइनस 52 इज 26 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ MB, राइट। ये वाली लेंथ भी हमको पता चल गई है, दिस इज 26। नाउ ऑल द थ्री लेंथ्स वी हैव, सो एज पर हेरन्स फॉर्मूला ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एज पर हेरन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास उसकी तीनों साइड्स की लेंथ हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ S, S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकेंड साइड, S माइनस थर्ड साइड, A, B, C आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड S is सेमी पेरीमीटर ओके ऑफ ट्राइंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स के लेंथ का सम, ओके, किसी भी फिगर का पेरीमीटर होता है उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो लाइंस है, उनका जितनी भी लेंथ है उन सबको ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। तो सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब हुआ, सेमी मतलब हाफ, तो जितना भी हमारे पास पेरीमीटर है उसको अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इसका हम सेमी पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का हाफ ऑफ तीनों साइड्स की लेंथ, 28 प्लस 30 प्लस 26। ये हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये हम ट्राइंगल CMB की बात कर रहे हैं, ओके, ट्राइंगल CMB। अब ये तीनों का सम होता है 84, और उसको 84 को हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे सो इट इज 42। सो नाउ वी हैव S इक्वल्स टू 42, ओके, सो वी कैन पुट दिस इन दिस द फॉर्मूला, हेरन्स फॉर्मूला। सो व्हाट वी विल गेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल CMB, so area of triangle CMB is under root S यानी कि 42 into 42 minus 28, 42 minus 30 and 42 minus 26, three sides को हमने minus कर दिया under root के अंदर, okay, in from semi perimeter, ये हो जाएगा 42 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 112896, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप इसको निकालेंगे सो वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 336 इज नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल CMB, ओके। अब हमें ट्राइंगल CMB का एरिया पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें हम ट्राइंगल का एरिया रख देंगे, बेस हमें ऑलरेडी पता है MB 26 और हाइट हमें पता चल जाएगी, और जब हमें हाइट मिल जाएगी यानी कि CL की वैल्यू हमें मिल जाएगी सो वी कैन पुट इन द ट्रेपेजियम्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ फॉर्मूला का एक और, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। सो बेस इज
हाफ इंटू 26 इंटू हाइट हमें निकालना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऑलरेडी कितना निकाल चुके हैं, 336। ओके, सो वी कैन राइट इट इज 13, सो एच इक्वल्स टू 336 डिवाइडेड बाय 13, विच इज, हम इसको अभी ऐसे ही रख लेते हैं, 336 डिवाइडेड बाय 13 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना, तो हम इसे इस तरह से फ्रैक्शन के उसमें ही रख लेते हैं। नाउ वी नो द हाइट एंड वी नो द लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस, सो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, 78 एंड 52, ये दोनों पैरेलल साइड थी। एंड नाउ वी हैव एच 336 डिवाइडेड बाय 13, सो 1 बाय 2 इंटू 78 प्लस 52 इज 180, सॉरी 130 इंटू 336 13, 13 tens are 130 and 2 5s are 10. So 336 multiplied by 5 is 1680 centimeter square. So this is the area of trapezium. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा काफी आपको घुमा के दिया हुआ था, बट द क्वेश्चन वॉज इजी, क्योंकि हमें अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है मैथ्स में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी कोई फॉर्मूला होता है, जैसे हेरेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ, ट्राइंगल निकालने का, ट्राइंगल का एरिया निकालने के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखिए, तो आपको जब भी जरूरत होगी तो आपको ईजिली वो चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, वो सब आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये ट्रेपेजियम में समझने में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो पहले आप जाके मेरा क्वाड्रिलेटरल वाला वीडियो देखिए, उसमें सारे ही फिगर्स के बारे में, सारे ही तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये था मेरा वीडियो फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्लास 8। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पर बनता है। अगर आपको कोई स्पेशल इस तरह का टफ टॉपिक कोई आपको लगता है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।